नमस्ते, आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इस पर जितना ज्यादा हो सके लोगों से चर्चा जरूर करिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान के प्रीएम्बल पर चर्चा होती है। पहली बार जो संविधान के प्रीएम्बल पर चर्चा हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। 22 जनवरी 1947 को दोबारा प्रीएम्बल पर चर्चा होती है और प्रीएम्बल को अडॉप्ट कर लिया जाता है, वो भी एक मत से। एक भी व्यक्ति ने प्रीएम्बल में जो शब्द थे उनका विरोध नहीं किया गया, विरोध नहीं किया। सबने बोला भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक संप्रभु भारत है, भारत में सबको इक्वेलिटी होगी, सबको जस्टिस होगी, सबको लिबर्टी होगी, सबको फ्रेटर्निटी होगी, यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन होगा, यानी समता समानता समरसता, इसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया प्रीएम्बल में डाल के। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग जो तिरंगा झंडा है ये एक्सेप्ट हो गया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया गया। अब लगभग एक साल के बाद 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया। प्रोफेसर केटी शाह साहब विदेशों में पढ़े हुए थे, उनको सोशलिस्ट वर्ड से बहुत लगाव था, सेकुलर वर्ड से बहुत लगाव था, फेडरल वर्ड से बड़ा लगाव था। तो उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 1 में जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है वहां पे सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल, ये तीन वर्ड आने चाहिए। दिन में चर्चा हुई और उनका प्रस्ताव एक मत से डिक्लाइन कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने दोबारा एक प्रस्ताव पेश किया कि संविधान के आर्टिकल 18 में सेकुलर शब्द जोड़ दिया जाए। दिन में चर्चा हुई और एक मत से संविधान सभा ने उनके उस प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर दिया। 6 दिसंबर 1948 को फिर चर्चा हुई कि क्या सेकुलर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सोशलिस्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पंडित लोकनाथ मिश्रा ने बोला यह बहुत स्लिपरी फ्रेज है, अगर हमने सेकुलर डाला हमारे संविधान में हमारी संस्कृति को बर्बाद कर देगा। एचवी कामत साहब ने कहा कि धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, यह सेकुलर का जो कॉन्सेप्ट है विदेशी कॉन्सेप्ट है, इसकी भारत में कोई जरूरत नहीं है। यानी फिर से सोशलिस्ट और सेकुलर को रिजेक्ट किया गया। 17 अक्टूबर 1949 को प्रीएम्बल के ऊपर फिर चर्चा हुई और दोबारा जो हमारा प्रीएम्बल है उसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया। यानी 13 दिसंबर को चर्चा हुई, उसके बाद 22 जनवरी को चर्चा हुई 1947 को, 15 नवंबर 1948 को चर्चा हुई, 3 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई, 6 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई। इतनी लंबी चर्चा के बाद फिर 17 अक्टूबर 1949 को संविधान का प्रीएम्बल फाइनली अडॉप्ट किया गया और उसमें न सोशलिस्ट था न सेकुलर था। 26 नवंबर 1949 को हमने दोबारा संविधान अपना एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान पर चर्चा हुई और यह कहा गया कि भाई जनगणमन और वंदे मातरम दोनों हमारे राष्ट्रगान होंगे, दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा। यह अलग बात है कि वंदे मातरम को सम्मान नहीं मिलता। 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हो गई। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, हम सब लोग मनाते रहते हैं। अब इसके आगे जरा देखिए कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रीएम्बल में जो शब्द लिखे हुए हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है और कोई भी सरकार और पार्लियामेंट इस बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इंदिरा जी को बहुत गुस्सा आया लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उस समय कांग्रेस में विभाजन वगैरह हुआ था। 1971 में दोबारा चुनाव होता है, गरीबी हटाओ का नारा देती है इंदिरा जी और उनको 352 सीट मिल जाती है। 1971 में 352 सीट उनको मिलती तो है लेकिन इंदिरा जी रायबरेली में हार जाती है, ऑफिशियली नहीं हारती हैं, बाद में उनको जिता दिया जाता है। और वो जो धांधली होती है 1971 में रायबरेली के लोकसभा क्षेत्र में, उसको राजनारायण जी हाईकोर्ट में चैलेंज करते हैं। हाईकोर्ट में वो मुकदमा चल रहा होता है, इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं। इस बीच में न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, कार्यपालिका बीच में टकराहट शुरू हो जाती है। 1971 में जैसे इंदिरा जी को 352 सीट मिलती है वैसे वो सुप्रीम कोर्ट का जो गोलकनाथ केस था उसका जो फैसला पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन पेश कर देती हैं और कहती हैं नहीं, हमें अधिकार है, हम संविधान में जहां मन करें वहां बदलाव करें। जबकि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फंडामेंटल राइट चेंज नहीं कर सकते, प्रीएम्बल को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद 1973 में बहुत फेमस
एक जजमेंट आता है, इसको केशवानंद भारती केस कहते हैं। 1973 में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 13 जज हुआ करते थे उस समय, टोटल जो स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की थी, और केशवानंद भारती केस को पूरे के 13 जजों ने एक साथ सुनवाई किया। यानी उस समय जब केशवानंद भारती चल रहा था तो कोई भी जज बाहर नहीं था, 13 के 13 जज केशवानंद भारती केस को सुन रहे थे। फैसला आया 7-6 से, 7 जजों ने कहा कि सरकार या संसद कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब प्रीएम्बल। 6 जजों ने कहा कि नहीं, सरकार चाहे संसद चाहे तो बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकती है, यानी फंडामेंटल राइट को बदल सकती है, प्रीएम्बल को बदल सकती है। लेकिन माइनॉरिटी था जो कह रहे थे बदल सकते हैं, मेजॉरिटी कह रहे थे नहीं बदल सकते। इंदिरा जी ने उसी गुस्से में जो माइनॉरिटी का जजमेंट दिया था मिस्टर ए एन रे ने, उनको चीफ जस्टिस बना दिया। उनके सीनियर 3 जजों को ओवर रूल किया, उनसे ऊपर 3 और सीनियर जज थे जिनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, उनको नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। हाँ, जस्टिस ए एन रे साहब को चीफ जस्टिस बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। 12 जून को फैसला आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया जस्टिस जगमोहन सिन्हा साहब ने, ये जो रायबरेली में जो चुनाव हुआ है ये अवैध है, और इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सिन्हा साहब ने यह भी कहा कि अब इंदिरा गांधी अगले 5 साल तक चुनाव में नहीं लड़ सकती। उस फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी रोक तो लगाई, लेकिन हाईकोर्ट का पूरा नहीं फैसला पलटा। उससे गुस्से में आके अगले दिन 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित करवा दिया। आप जरा ध्यान से, डेट में आपको इसलिए बता रहा हूं आपको पूरी बैकग्राउंड पता हो जाए। 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित हो जाती है। 18 मार्च 76 को लोकसभा का टेन्योर खत्म हो जाता है, क्योंकि चुनाव 71 में हुआ था, लोकसभा चुनाव 5 साल के लिए होता है, तो मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर भी खत्म हो जाता है। एक एडीएम जबलपुर केस आता है। एडीएम जबलपुर केस में 4 जज कहते हैं कि सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट को भी खत्म कर सकती है, उसको बदल सकती है। उसमें एक जज थे जस्टिस एच आर खन्ना साहब, उन्होंने बोला नहीं, सरकार ये काम नहीं कर सकती है। उसका परिणाम यह हुआ कि उनके जूनियर जज को, बेग साहब को, चीफ जस्टिस इंदिरा गांधी ने बना दिया, और जस्टिस एच आर खन्ना साहब ने रिजाइन दे दिया। 18 मार्च को लोकसभा का टेन्योर खत्म हो जाता है, और 18 दिसंबर 76 को संविधान के प्रीएम्बल में वो 2 शब्द जोड़े जाते हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर, जिसको संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट कर दिया था। ये जो प्रीएम्बल फाइनल हुआ, 6 दिन पूरी बहस के बाद फाइनल हुआ। प्रस्ताव 3 बार आए सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ने के लिए, उसको संविधान सभा ने रिजेक्ट किया, और इंदिरा गांधी ने 18 दिसंबर 76 को वही सोशलिस्ट सेकुलर संविधान में जोड़ दिया। 18 दिसंबर 76 को संविधान सभा नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा तो 25 जनवरी 1950 को ही खत्म हो गई थी। 18 दिसंबर 76 को लोकसभा नहीं थी, क्योंकि लोकसभा का टेन्योर 5 साल का मार्च में ही पूरा हो गया था 76 में, तो लोकसभा भी खत्म हो चुकी थी। विपक्ष के सारे नेता जेल में थे। उस समय न्यूज चैनल केवल एक होता था, दूरदर्शन, उस पर इंदिरा गांधी ने पूरा कंट्रोल किया हुआ था। जो अखबार उनके खिलाफ लिख रहे थे इस इमरजेंसी के खिलाफ, उनका बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया था। तो जितने अखबार इंदिरा इस सरकार के जो ये तानाशाही रवैये के खिलाफ कुछ लिखते थे, उनका बिजली पानी का कनेक्शन ही काट दिया जाता था। अब इंदिरा जी ने बदल दिया, और आज की डेट में वही कांग्रेस के नेता, खासतौर पे राहुल गांधी, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, जिसका गला 76 में घोटा जा चुका है। इमरजेंसी के दौरान न लोकसभा थी न संविधान सभा थी, और प्रीएम्बल पे डेट क्या चल रही है, प्रीएम्बल पे डेट अभी भी 26 नवंबर 1949 की डेट चल रही है। 2 शब्द जोड़ दिए उन्होंने, संविधान का मूल ढांचा बदल दिया, और वो भी बैक डेट में 1949 की, क्योंकि संविधान सभा में जो डेट पड़ी वो 26 नवंबर 1949 पड़ा हुआ है, वो डेट भी नहीं बदली। इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सवाल ये है कि अगर सरकार को और संसद को इस संविधान के प्रीएम्बल को बदलने का अधिकार मिल जाएगा, तो इसका कोई अंत नहीं होगा।
फिर तो कल को किसी सरकार के पास 500, मान लीजिए 450 500 सांसद बन जाते हैं, वो कहेंगे ऐसा है जी, हम इसमें से सोवरेन सब हटा रहे हैं, संप्रभु सब हटा रहे हैं, आज के बाद हम अमेरिका के गुलाम हैं, आज के बाद हम ब्रिटेन के दोबारा गुलाम हैं, आज के बाद हम चीन के गुलाम हैं। फिर तो कह सकते हैं, अगर संविधान में कोई शब्द जोड़ने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा या संसद को मिल जाएगा, फिर तो घटाने का भी अधिकार मिल जाएगा। अगर सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ने का अधिकार मिल गया, इसका मतलब सोवरेन शब्द को घटाने का भी अधिकार मिल गया। कल को कोई सरकार प्रीएम्बल में जोड़ दे, आज से हम सोवरेन नहीं है, हम गुलाम है, हम चीन के गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है, या हम किसी और देश के गुलाम हो चुके, क्या इसका अधिकार मिल सकता है क्या? अगर वास्तव में सोवरेन से अगर सरकार को प्रीएम्बल में सोवरेन सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ने का अधिकार मिल गया, तो कल को डेमोक्रेसी निकालने का भी अधिकार मिल जाएगा। कल को सरकार कोई कहेगी जी अब प्रीएम्बल में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा, फिर क्या होगा? कल को जस्टिस निकाल दे, अब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, या न्याय भी मिलेगा तो रिलीजन के आधार पर मिलेगा, मुस्लिम्स को इतने दिन में न्याय मिलेगा, हिंदू को इतने दिन में न्याय मिलेगा, ये अलाउ कर सकते हैं क्या? कल को कोई सरकार आए, इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जो शब्द लिखा हुआ है प्रीएम्बल में उसको निकाल दे, बोले अब सब लोग समान नहीं, सबको समान अवसर नहीं मिलेगा, माइनॉरिटी को पहला हक मिलेगा, मेजॉरिटी को बाद में मिलेगा, भारत के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का रहेगा, फिर तो ये भी जोड़ा जा सकता है। अगर सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा जा सकता है, फिर तो कल को प्रीएम्बल में शरिया भी जोड़ा जा सकता है, कल को प्रीएम्बल में हिंदू राष्ट्र भी जोड़ा जा सकता है, कल को प्रीएम्बल में घटाया भी जा सकता है, डेमोक्रेसी भी निकाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना फिर तो। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और खास तौर पे आपके जान पहचान में अगर कोई जज है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, उसको जरूर भेजिए, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इस प्रीएम्बल को दोबारा ओरिजिनल प्रीएम्बल एडॉप्ट करना जरूरी है। ये जो इतना बड़ा हमारे संसदीय महापाप हुआ है 1976 में, उसको ठीक करना जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है, उसको ठीक करने के लिए स्वाभाविक सी बात है दो तिहाई बहुमत चाहिए होगा, दोबारा सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द निकालने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए होगा, लेकिन चाहिए तो चाहिए, इसको निकालना जरूरी है। सोशलिस्ट सेकुलर आप संविधान के अंदर डालो समझ में आता है, लेकिन प्रीएम्बल में डाल देना, जिसको मूल ढांचा कहते हैं। अभी हम घर में बैठे हुए, हम लोग घर में क्या करते हैं, कमरे बदल देते हैं, कई बार ऐसा होता है किचन को हम कुछ और मॉडिफाई कर देते हैं, ड्राइंग रूम को कोई और मॉडिफाई कर देते हैं, बेडरूम को भी मॉडिफाई कर देते हैं, हम कभी घर की फाउंडेशन को मॉडिफाई करते हैं क्या? नहीं, घर की फाउंडेशन जो पड़ गई तो पड़ गई। हाँ, ये अलग बात है कि आप आज इसको स्टडी रूम बना लीजिए, कल को इसको ड्राइंग रूम बना लीजिए, कल को इसको बेडरूम बना लीजिए, इतनी बात समझ में आती है, लेकिन कभी फाउंडेशन नहीं बदली जाती। प्रीएम्बल संविधान का फाउंडेशन है, प्रीएम्बल संविधान का मूल ढांचा है। गोलकनाथ केस में भी कहा गया था मूल ढांचा नहीं बदला जाएगा, केशवानंद भारती केस में कहा गया था मूल ढांचा नहीं बदला जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान मूल ढांचा बदला, जब न लोकसभा थी न संविधान सभा थी, सारे नेता जेल में थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक दूरदर्शन था वो कंप्लीट बैन था, प्रिंट मीडिया में बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था। इस महापाप को ठीक करना जरूरी है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, सबको जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।